रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम आने से पहले भाजपा कार्यकर्ता भगवान गणेश की शरण में पहुंचे। अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 300 पार का नारा आपने लोकसभा चुनाव में मंचों से खूब सुना होगा, लेकिन यही पंक्तियां कुंदा तट स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में विराजित चांदी के मूषक राज के कान में भाजपा कार्यकर्ता बुदबुदा रहे हैं। दरअसल मोदी की जीत की कामना को लेकर यहां सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में बुधवार को विशेष अनुष्ठान हुआ। कार्यकर्ता ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर पहुंचे और 15 पंडितों के सानिध्य में पूजा शुरू कराई गई। गणेश अथर्व शीर्ष का 1000 बार पाठ व अन्य अनुष्ठान कराए गए। पूजन कराने मंदिर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया, हर काम का श्री गणेश विघ्नहर्ता की पूजा से करते हैं। देश में मोदी की सरकार बने इस कामना के साथ यहां भी पूजन का आयोजन किया गया है। गणेश जी को ध्रुवा पुष्प व मोदक का भोग लगाया गया। कार्यकर्ताओं में कुछ महिला पार्षद भी शामिल थी। उन्होंने परंपरागत तौर पर गणेश जी पर पूरे चावल चढ़ाए और कार्य सिद्धि की कामना की। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या एग्जिट पोल को सफल बनाने के लिए क्या जान नम भूत गणाली से भी कम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान श्री गणेश सभी विघ्नों को हरने वाले हैं और शुभ फलदायक हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, उसकी पूर्णता के लिए, उसमें निर्विघ्नता की सिद्धि के लिए भगवान श्री गणेश का पूजन करके और कार्य प्रारंभ करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो भी काम करते हैं भगवान का स्मरण पूजन करके ही करते हैं। और आपने जो बताया एग्जिट पोल में सफलता प्राप्त हो, और निश्चित रूप से भगवान हम सबके साथ में हैं। भगवान रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ को देने वाले हैं, इसी कामना के लिए यह काम आज किया जा रहा है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री इस लोकसभा के चुनाव के प्रचार के निमित्त संपूर्ण देश भर में घूमने के बाद में जब प्रचार थमा आखिरी की ओर का, तो उसके बाद सीधे जाकर के उन्होंने केदारनाथ में भगवान शिवजी की आराधना की और उस आराधना में उन्होंने निवेदन किया कि हे ईश्वर, मेरे संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने और इस देश की जनता ने अपना काम कर दिया है, अब तेरे आशीर्वाद के बाद ही यह अवधि पूर्ण होगी।